हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये घातांक करने का लेक्चर नंबर 6वां होगा। अभी तक हम टोटल 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और ये लेक्चरों की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप इतना टोटल कर लेते तो आपको घातांक करनी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ जो भी पुस्तक आपके पास है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी वायर, आप उसे सर्च कर लो, उसमें मैं क्वेश्चन सेंड करते रहता हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ आगे की चीज़ें देखेंगे, तो आप इसे धैर्य से देखिए। सबसे पहले तो धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको पेपर तक पहुंचना है, मतलब अगर आपको पेपर निकालना है तो धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते जाएगी। ऐसा नहीं कि मैंने एक लेक्चर बना दिया सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ठीक है, पीछे भी मैंने बहुत सारे लेक्चर डाले हैं, उनका भी पूरा विस्तृत रूप आएगा हर एक लेक्चर का, हर एक चैप्टर का, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और एक छोटी चीज़ और बता दूं कि अगर मुझसे कोई ऑफलाइन अगर पढ़ना चाह रहा है तो मैं संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतूल में पढ़ाता हूं। ठीक है, संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतूल। तो आइए अब हम देखते हैं आगे की कुछ चीज़ें। और ये लेक्चर देखने से पहले मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले पूरे लेक्चर देखे हुए हैं। ठीक है, अब थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर क्वेश्चन को पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं। तो आज के इस लेक्चर का जो क्वेश्चन होगा पहला, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको दिया है 1+√2 upon √5 plus √3 plus 1 - √2 upon √5 - √3। ठीक है, ये दिया हुआ है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। इसके पहला ऑप्शन दे रखा है √5 plus √6। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2√5 plus √6। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है √5 - √6। और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है 2√5 - √3 √6। ठीक है, तो ये आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए, सॉरी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। करेंगे क्या, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा बटे वाली संख्या का लेना है एलसीएम। ठीक है, इस संख्या का जब एलसीएम लोगे तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो एलसीएम कैसा लेते हैं, तो एलसीएम अगर लेते नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इस संख्या का गुणा यहाँ पे कर देना है, इस संख्या का गुणा यहाँ पे कर देना है, समझ पा रहे हैं, और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि इस संख्या का गुणा यहाँ पर होगा, इस संख्या का गुणा यहाँ पर होगा, और बटे में इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो हम अगली स्टेप अगर लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगा √5 plus √3 और √5 - √3। ठीक है, इस संख्या का यहाँ गुणा करेंगे तो 1+√2 और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा √5 - √3। ये प्लस है तो प्लस लगाना है, यहाँ पर क्या हमारे पास 1 - √2 और ऐसे ही करना है। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता, बस ये कि प्रैक्टिस करने के बाद कैलकुलेशन छोटा किया जा सकता है √5 plus √3। अगली स्टेप क्या जाएगी हमारे पास, यहाँ पर देखो कि इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो पहले एक का गुणा √5 में होगा, तो एक का गुणा √5 में होगा तो कितना √5, फिर एक का गुणा √3 में होगा तो -√3, √2 का 5 में गुणा होगा तो 5 × 2 = 10, तो करनी में जाएगा 10, और इसका जब यहाँ गुणा होगा तो 3 × 2 = 6 और माइनस का करनी 6, ये समझे होंगे आप। इसका यहाँ गुणा होगा तो 5 × 5 = 5, इसका यहाँ पर गुणा होगा तो +√3, जब इसका गुणा होगा तो देखो -√2 है, तो -√2 का जब यहाँ गुणा होगा तो माइनस का 2 × 5 = 10 √10 आ जाएगा, और जब इन दोनों का गुणा होगा तो प्लस और माइनस का गुणा कितना -3 × 2 = 6 √6 आ जाएगा बटे में। पिछले लेक्चर के अनुसार एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करेगा कि जब भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी हो तो ये हमेशा बराबर होता है a का वर्ग माइनस बी के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर से ए प्लस बी और ए माइनस बी, या फिर ए प्लस बी या ए माइनस बी इक्वल टू था ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो देखोगे तो ये प्लस की वैल्यू ए प्लस बी का काम करेगा, ये ए माइनस बी का काम करेगा, मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, √5 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, ऐसी कुछ होगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये √10, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कटेगा। अगर हम यहाँ बात करें 3 की तो ये माइनस का है और ये प्लस का ही, ये कटेगा। और कुछ कट पा रहा है क्या, नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे √5 और √5 दो बार है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √2 यहाँ −√6 दो बार है, तो हम लिख सकते हैं −2√6 बटे में जाएगा। वर्ग से करनी कटेगी, वर्ग से करनी कटेगी, तो 5 - 3 और 5 में से जब 3 घटाओगे तो बचेगा कितना 2, ये समझ रहे हैं आप।
अगली स्टेप सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कितना है, दो है, तो दो अगर हम कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, करणी पाँच माइनस करणी छः बटे में है दो, दो से दो कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, करणी पाँच माइनस करणी छः मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें बनेगी। अगर आप गणित से जितना ज़्यादा भागेंगे वो उतना ज़्यादा आपको भगाएगी, इतना याद रखना। कभी भी गणित आसानी से सीखा नहीं जा सकता, पर प्रैक्टिस करोगे, जब मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ तो आप बिल्कुल कोशिश करिए। ठीक है, मैं हर एक टाइप यहाँ एक एक दो दो क्वेश्चन तो करा ही दूंगा, जिससे आप जो भी पुस्तक से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ना, कॉल कर नहीं कर सकता नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन कि 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से 2 माइनस अंडर रूट 3, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है 2 प्लस अंडर रूट 3, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 16 माइनस अंडर रूट 3 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 40 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपके ऑप्शन है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये देखो यहाँ पर एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। हर का परिमेयकरण मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था, अगर मैं इसका हर का परिमेयकरण करूँ तो अगली स्टेप क्या आएगी, उस चीज को ध्यान दो। हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पहले से कितना है 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3। क्या करा हमने, ये देखो कि हर का परिमेयकरण करना मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3 का अंश और हर में गुणा करा, पर माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये हमने सीखा है, हर का परिमेयकरण का मतलब हर में जो संख्या थी डिनोमिनेटर में उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, पर ये बीच का जो सिंबल है ये माइनस था तो दोनों का एक हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण करूँ तो 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। वैसे यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हम सॉल्व करें इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर डायरेक्ट सॉल्व करते दो स्टेप का क्वेश्चन है ये। अगला अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये आंसर हर में गुणा करा का काटोगे तो यही स्टेप आएगी, ये काटोगे तो यही स्टेप आएगी, काटोगे तो यही स्टेप आएगी। अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों राशि क्या है, समान है, दोनों राशि समान है। इसका मतलब मैं अगर देखो इसे अलग से सॉल्व करके बताता हूँ कि 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3 है, क्या इसे हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग, क्योंकि दो बार है ना तो गुणा करेंगे तो इतना आएगा। एक फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर से होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, और 99% स्टूडेंटों को फॉर्मूला याद होता है, तो a प्लस बी पूरे का वर्ग वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4, b का वर्ग मतलब करणी 3 का वर्ग करोगे 3 प्लस 2, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है करणी 3, सॉल्व करोगे तो 4 और 3 7 प्लस 2 दूनी 4 करनी 3। तो कहने का मतलब कि अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तो इतना आएगा, क्लियर हो पा रहा है। तो देखो कर क्या रहे हम कि इस पूरे को सॉल्व करा तो इतना आ रहा है, तो करेंगे कैसे, एक मिनट में इसे मिटा रहा हूं ना। करते क्या है, 2 का वर्ग कर देंगे करनी 3 का वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग 4 करनी 3 का वर्ग कितना 3, 4 और 3 कितना होगा 7। अगर ये प्लस की वैल्यू है तो प्लस लगाया और 2 दूनी 4 और 4 करनी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बटे में देखो यहाँ पर भी अगर हम सॉल्व करें तो 2 माइनस करनी 3, 2 प्लस 2 माइनस करनी 3, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3 पूरे का वर्ग, और आगे हम सॉल्व करें तो एक फॉर्मूला होता है ये a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर से a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, क्लियर है। थोड़ा धैर्य जरूर रखिएगा, पेशेंस की आवश्यकता है नौकरी के लिए, तो स्पेशली a माइनस बी पूरे का वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4 प्लस b का वर्ग मतलब b का वर्ग आ रहा है तो b की जगह क्या है माइनस
सॉरी करणी तीन, और करणी तीन का वर्ग करेंगे तो तीन आएगा, माइनस टू, ए का मान है दो और बी का मान है करणी तीन, सॉल्व करेंगे तो चार और तीन सात, माइनस दो दूनी चार, करणी तीन, ऐसी कुछ होगा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कितना, सात माइनस चार करणी तीन, पक्का। उसी प्रकार से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो अंडर रूट थ्री माइनस वन पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग, क्योंकि दो बार है तो गुणा हो रहा होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ए का वर्ग मतलब करणी तीन का वर्ग तीन, बी का वर्ग मतलब एक का वर्ग एक, माइनस टू, ए का मान करणी तीन और बी का मान एक, सॉल्व करेंगे तो तीन और एक चार, माइनस दो करणी तीन, समझ पा रहे हैं। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा चार माइनस दो करणी तीन, क्लियर है। अब अगर हम आगे सॉल्व करें, देखो बट्टे की संख्या, तो यहाँ पर हर एक में एक ही फंडा काम कर रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर से होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये फॉर्मूले से आप परिचित है। तो देखेंगे ये एक प्लस वाला और एक माइनस वाला दोनों गुणा में हो रहा है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दो का वर्ग माइनस करणी तीन का वर्ग, ऐसे कुछ होगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, b की जगह करणी तीन है तो करणी तीन का वर्ग, यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन बन रही है, तो ये क्या होगा, दो का वर्ग माइनस करणी तीन पूरे का वर्ग, यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही है, तो करणी तीन का वर्ग और माइनस एक का वर्ग, ऐसी कुछ होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगली स्टेप को देखो, दो का वर्ग चार, ठीक है, समझना, दो का वर्ग चार और करणी तीन का वर्ग तीन, तो चार में से तीन घटेगा तो बचेगा कितना, एक, इसे सॉल्व करेंगे तो बटे में एक आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे देखो, वर्ग करेंगे दो का वर्ग चार और करणी तीन का वर्ग करेंगे तो तीन, तो चार में से तीन घटाएंगे तो बचेगा कितना, एक, तो बटे में एक आ रहा है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो करणी तीन का वर्ग, देखो मतलब अगली स्टेप हम यहाँ लिखेंगे सेवन प्लस फोर अंडर रूट थ्री प्लस, क्योंकि बटे में एक आने वाला है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे अगर हम करेंगे तो सेवन माइनस फोर अंडर रूट थ्री, बटे में एक आ रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें चार है, ये दो है, क्या कॉमन ले लूँ, दो, तो बचेगा कितना, यहाँ दो माइनस करणी तीन, दो का गुणा करेंगे तो चार, दो का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और बटे में देखो करणी तीन का वर्ग तीन और एक का वर्ग एक, तीन में से एक घटाओगे तो बचेगा कितना, दो, और दो से दो कट गया, क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, सात और सात कितना हो गया, चौदह, प्लस यहाँ कितना है, दो माइनस कितना, करणी तीन, सॉल्व आगे करोगे तो चौदह और दो कितना, सोलह माइनस करणी तीन, ये होगा फाइनली आंसर, ठीक है, मतलब सोलह माइनस करणी तीन ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। हो सकता है कि आपको ये टफ लग रहा हो, परंतु कोई ऑप्शन नहीं है, आप अगर फाइनली सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो इसे पढ़ो जरूर, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैंने शुरू के जो चार लेक्चर डाले हैं उतना ही पढ़ा कि मैं खत्म कर देता कि चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है और आपको पता भी नहीं चल पाता और चैप्टर कंप्लीट बिल्कुल हो चुका था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। हर एक चीज़ में, हर एक चैप्टर में, भले वो कठिन हो थोड़ी, पर पढ़ाऊंगा जरूर, बस ये है कि आपको पेशेंस रख के देखना है। ये मत सोचना कि पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है या पड़ोसी ये बोल रहा है कि इतना कठिन पेपर में नहीं आएगा, ये सब कहने की बात है। आपने अगर पहले अपने जीवन में दो तीन पेपर दिए हैं, एक मिनट ये हिल रहा है, हाँ उधर रखना है ना, दो तीन पेपर अगर आपने अपने जीवन में दिए होंगे तो आप एब्जॉर्व करना कि जो चीज़ हम घर में पढ़ते हैं ना पेपर में दिखाई नहीं देती, हमेशा नहीं होती है। कारण ये है कि हम जो चीज़ें छोड़ देते हैं ना घर में पढ़ना, वो पेपर में आ जाती है। इसलिए आपको छोड़ना कुछ नहीं है, जो पुस्तक में दिया एटलीस्ट उतना तो आए। पर फाइनल स्टूडेंटों को ये होता है कि पुस्तक में जितना दिया ना वो उतना भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन में अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री पूरे का वर्ग प्लस अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन में अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री और पूरे का वर्ग है, क्लियर है। ऑप्शन यहाँ दिए हैं आपको 64, सेकंड ऑप्शन है 962, थर्ड ऑप्शन है 66, फोर्थ ऑप्शन है 68, क्लियर है। इसे सॉल्व करना है और ये आपको ऑप्शन दिए हैं, करना क्या है देखो, अंश में अगर हम देखें तो समझना मैं एक एक पार्ट अलग अलग कर दे रहा हूँ। अरे यहाँ सेम कैसे लिख दिया, ये माइनस का तो इधर प्लस का होगा, ठीक है, ऐसी कुछ होना चाहिए, हाँ। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये अंश वाली जो राशि है, मतलब करणी पाँच प्लस करणी तीन पूरे का वर्ग हो रहा होगा, क्लियर है। अंश की जो राशि है करणी पाँच प्लस करणी तीन पूरे, ये वर्ग इस पूरे का है, तो अंश वाली राशि का भी वर्ग होगा और हर वाली राशि का भी वर्ग होगा। तो हम दो फॉर्मूले तो जानते ही है, a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर से होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab,
और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर से ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस टू ए बी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप इन्हें याद रखो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आगे करा दूंगा। अंश का मान याद था, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो होगा क्या, ए प्लस बी पूरे का वर्ग वाला फॉर्मूला काम कर रहा है ये वाला, तो ए की जगह क्या है करणी पांच, और करणी पांच का जब वर्ग करोगे तो आएगा पांच, करणी तीन का वर्ग करोगे तो आएगा तीन प्लस टू ए का मान और ये बी का मान, ऐसी कुछ होगा। सॉल्व करेंगे तो पांच और तीन आठ प्लस दो, करणी में पांच दिया पंद्रह, ऐसा कुछ होगा। अब अगर यहां पर अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री वाले की बात करें, इस वाले की, तो इस पूरे का अगर वर्ग है इसका मतलब ये बटे वाली राशि का भी वर्ग है, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर से a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस टू ए बी होगा, है ना। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो a का वर्ग मतलब पांच, b का वर्ग मतलब तीन माइनस टू, a का मान करनी पांच और b का मान करनी तीन। आगे सॉल्व करेंगे तो पांच और तीन आठ माइनस दो करनी पांच क्या कितना पंद्रह, क्लियर है। इसका ये मतलब है कि ये वाला पूरा पार्ट सॉल्व होकर इतना आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, अगली स्टेप हमारी आ जाएगी आठ प्लस दो करनी पंद्रह, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे अंश वाले को, तो ये आया बटे में, हर वाले को जब हमने सॉल्व करा तो ये आया, मतलब कितना आठ माइनस दो करनी पंद्रह प्लस, उसी प्रकार ये माइनस वाला फंडा है तो ये माइनस वाले को सॉल्व करा तो इतना आया, तो यहां कितना आ जाएगा आठ माइनस दो करनी पंद्रह बटे में, ये करनी पांच प्लस करनी तीन का वर्ग है, मतलब ये वाला पार्ट है, इससे सॉल्व करा तो इतना आया, तो आठ प्लस दो करनी पंद्रह, क्या चीज समझ पाए, इतना आप उतार सकते हैं ना। अब आगे देखो, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सेकंडों में सॉल्व होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हर का परिमेयकरण अगर हम कर ले, ठीक है, क्या कर ले, हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण अगर हम करेंगे तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि अगर एलसीएम भी ले तो एलसीएम ले तो बटे में क्या जाएगा आठ माइनस दो करनी पंद्रह, हम एलसीएम ले रहे हैं और आठ प्लस दो करनी पंद्रह, मैंने ये कहा है कि इस राशि का इधर गुणा कर देना, इस राशि का इधर गुणा कर देना, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, इस राशि का यहाँ गुणा होगा, ठीक है, यहाँ गुणा होगा, मतलब आठ प्लस दो करनी पंद्रह, और समझना इसका जब यहाँ गुणा होगा तो ये दोनों राशि क्या है सेम, क्लियर है, आठ प्लस दो करनी पंद्रह, आठ प्लस दो करनी पंद्रह, तो जब इसका यहाँ गुणा होगा तो फाइनली इसका क्या कर दूं मैं वर्ग, समझ पा रहे हैं, ये प्लस है तो प्लस, इस राशि का जब यहाँ गुणा होगा तो ये दोनों राशि सेम है, आठ माइनस दो करनी पंद्रह, आठ माइनस दो करनी पंद्रह, तो ये क्या हो जाएगा आठ माइनस दो करनी पंद्रह पूरे का क्या वर्ग, क्लियर है। आगे अगर हम सॉल्व करें तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी पूरे का वर्ग है, ए प्लस बी पूरे का वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आठ का वर्ग कितना चौसठ प्लस बी का वर्ग मतलब दो का वर्ग चार, करणी पंद्रह का वर्ग होगा तो करणी पंद्रह का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा पंद्रह आएगा, करणी पंद्रह का वर्ग करेंगे तो पंद्रह आएगा, तो देखो ये पूरा बी का काम कौन कर रहा है यहाँ, दो करणी पंद्रह, तो दो का वर्ग चार और करणी पंद्रह को सॉल्व करेंगे तो पंद्रह आएगा, तो पंद्रह जो कितना साठ, तो यहाँ जाएगा साठ प्लस टू ए बी, टू ए का मान है आठ बी का मान है दो करणी पंद्रह, क्लियर है। उसी प्रकार ठीक है इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ a माइनस बी पूरे का वर्ग, ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा होगा, तो एक मिनट में इसे मिटा देता हूँ, पेशेंस जरूर रखिएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी पूरे का वर्ग, तो a का वर्ग मतलब चौसठ, b का वर्ग मतलब यहाँ पंद्रह चौक साठ माइनस दो ए और b का मान कितना है दो करनी पंद्रह, क्लियर है। बटे में a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन बन रही है, तो a का वर्ग मतलब आठ का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब दो करनी पंद्रह का वर्ग, ऐसी कुछ आएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो समझना यहाँ, ये पूरा मान दो गुणित आठ गुणित दो करनी पंद्रह, दो गुणित आठ गुणित दो करनी पंद्रह, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये प्लस और ये माइनस का क्या होगा कट जाएगा, क्लियर है। पहली दूसरी तीसरी और ये चारों राशि को अगर हम जोड़ें, समझना, तो साठ और साठ एक सौ बीस, साठ और साठ एक सौ बीस, और हम यही बोल सकते हैं फिर से 60 जोड़ेंगे तो 180, फिर से 60 जोड़ेंगे तो 240, 240 और 8 कितना हो जाएगा 248, तो ठीक है टोटल अगर आप जोड़ोगे ये अंश की राशि तो आएगा कितना 248 बटे में 8 का वर्ग 64 माइनस 2 का वर्ग 4 और करनी पंद्रह का वर्ग 15, तो 15 चौक कितना 60,
और आगे सॉल्व करेंगे तो 248 डिवाइडेड बाय 64 में 60 घटाएंगे तो 4, तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, काटेंगे तो इतना कुछ आएगा। फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 62। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा क्या राइट आंसर है। कहने का ये तात्पर्य है कि क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आपकी किस्मत बहुत ख़राब होगी तो पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप तब ही कर पाओगे जब आपने अभी अपने आप को खूब घिसा होगा तो, है ना। और अगर आप लोगों की बात में आ रहे हैं कि सरल सरल पढ़ लो पेपर हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है, अभी छोड़ सकते हैं आप पढ़ाई तो ज़्यादा बेटर होगा। 3-4 महीने ख़राब होने से अच्छा है कि अभी छोड़ दो, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते तो, और पढ़ सकते तो मैं आपके साथ हूँ, अंत तक सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ाऊँगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, पर इसके लिए आपको पिछले अगर 4 लेक्चर देखे होंगे आपने पाँचों के पाँचों, तो आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, यहाँ नहीं तो मुझे फिर से वही घिसी पिटी चीज़ें फिर बताना पड़ेगा कि बेटा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है ये ए, ये बी और ये सी, ये है 3, और चौथा ऑप्शन है 8, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शन है, करना कैसे है? तो सबसे पहले ये देखो, मैंने कल का लेक्चर कराया, मतलब दूसरा या तीसरे नंबर के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, है ना। तो अगर मैं ये वाले पार्ट की बात करूँ, 7+4 करनी 3 है, इसको मैंने दूसरा जो पार्ट है ना घातांक करनी का वहाँ करवा रखा है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 7+2 × 2 और ये करनी 3, और आगे सॉल्व करेंगे तो 7+2, ये 2 अगर अंदर जाएगा तो कितना होगा, 4 × 3, क्योंकि 4 बाहर कितना आएगा, 2, क्लियर है। 4 किया कितना हुआ, 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 7+2 करनी में कितना, 12, क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 और 3, तो 4 और 3 7, और 4 किया कितना, 12, क्लियर है। तो यहाँ भी करनी लगा, तो यहाँ भी करनी लगा, तो इसके सामने प्लस है तो प्लस। फाइनली इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। हम डायरेक्ट कर सकते थे अगर आपने दूसरा लेक्चर देखा होगा, पर मैंने इतनी कहानी इसलिए बताई कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा हो, पर गलती आप लोगों की है। तो हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, करनी 4+3 आएगा, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करा, आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेप हमारे पास ये हुई है, और बाहर किसका गुणा हो रहा है, 8 का गुणा हो रहा है, और प्लस में यहाँ कितना है, 3। तब इतने ही पार्ट को सॉल्व करें। अगर आगे देखें तो यहाँ 8 का 3 का 3 प्लस ये करनी 4 है, करनी 4 मतलब कितना, 2 होगा, तो 8 × 2 = 16 प्लस 8 करनी कितना, 3 होगा, 16 और 3 = 19 हो जाएगा, प्लस ये 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4, और करनी में कितना आएगा, 3 आएगा, समझना। और इसको भी हम पिछले लेक्चर में करा चुके, लेक्चर नंबर सेकंड में, तो 19+2 का 2 4 अगर अंदर जाएगा तो कितना बनेगा, 16 × 3, और आगे सॉल्व करेंगे तो 19+2, और इसको हम क्या लिख देंगे, 48। इसे अगर हम तोड़े तो 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19, 16 दिया कितना, 48, इसके सामने प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ भी करनी, यहाँ पर भी करनी, तो आएगा कितना, 4+3, ठीक है। मतलब हम ये पूरे पार्ट को सॉल्व करते जा रहे हैं तो यहाँ तक हम पहुँचते हैं, क्लियर हो पा रहा है। इसका ये मतलब है कि इस वाले पार्ट को समझना, यहाँ पर इस पूरे का सॉल्व कितना आया है ये, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, 4+3, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया है, सॉरी ये 5 नहीं है, ये 3 है ना, यहाँ पर माइनस करनी 3 दिया हुआ है और ये लगी है करनी। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कटा, बचा कितना, करनी 4, फाइनली सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड है राइट आंसर है। तो एक छोटी चीज़ ध्यान से सुनो कि ये क्वेश्चन तब ही सरल हो पाएगा जब आपने दूसरा और तीसरा लेक्चर ध्यान से देखा हो, पर दूसरा और तीसरा लेक्चर देखने से पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी लेक्चर देखे हैं, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 ही स्टेप का था, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। पर शर्त यही है कि आप हर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, कन्फर्म है ना, मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि √2 = 1.414 है, ठीक है, तब −√8 + −√32 + −√128
50, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। ऑप्शन की बात अगर हम करें तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 8.484, सेकंड ऑप्शन दिया है हमें 8.526, थर्ड ऑप्शन हमें दिया है 8.426, फोर्थ ऑप्शन दिया है 8.876। क्लियर है? देखो यहाँ, यदि करणी दो का मान इतना है, हमें पता है करणी दो का मान 1.414 होता है, इस पूरे का मान निकालने की बात हो रही है, समझना। ये करणी आठ है, करणी आठ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4×2, तो 8 को हम 4×2 लिख सकते हैं, 4×2 = 8 होगा, प्लस 2×2। 32 को लिख सकते हैं क्या, 16×2, तो 16×2 कितना होगा 32, माइनस 3×3। 128 को लिखा जा सकता है क्या, 64×2, 64×2 कितना 128, प्लस, क्योंकि इस प्रकार का हमने एक कोई ना कोई लेक्चर में पढ़ा रखा है पीछे, इसे हम लिख सकते हैं 4×50 को लिख सकते हैं क्या 25×2। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी मैंने किस प्रकार से, थोड़ा बस थोड़ी सी आपको पहाड़ी गिनती आए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 आएगा बाहर, 2 करनी 2 बचा। 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4 बाहर आएगा, तो 4×2 कितना होगा 8, करनी 2 माइनस। 64 किसका वर्ग है 8 का, तो 8 बाहर आएगा, तो 8 दिया 24 और करनी 2 प्लस। 25 किसका वर्ग है 5 का, 5 बाहर आएगा, तो 5 चौक 20, करनी 2। क्लियर है? यहाँ देखो, 2 करनी 2 और 8 करनी 2, 8 और 2 कितना 10, 10 और 20 कितना 30, तो 30 करनी 2 माइनस की वैल्यू ये वाली है 24 करनी 2, समझ पा रहे हैं? ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की वैल्यू, सब में करनी 2 है, इसलिए डायरेक्ट जुड़ गया 2 और 8 10, 10 और 20 कितना 30, करनी 2 घट रहा है 24 करनी 2, 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और करनी में कितना 2, आगे सॉल्व करेंगे तो 6 का 6 करनी 2 का मान हमें दिया है 1.414, ये दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो 6 का गुणा कर दो, 6 चौक 24 का 4 बचेगा कितना 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 चौक 24 का 4, तो 6 चौक 24 का 4 बचेगा 2, 6 एकम 6 और 2 कितना 8, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक रहेंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 8.484, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या राइट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं, और ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में फॉर्मूला भी नहीं है, बेसिक से सॉल्व करा और ये जो वैल्यू दी है वो यहाँ रखेंगे, आंसर आएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते चलना, अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम, और कोशिश ये करना पिछले जितने भी लेक्चर डले हुए हैं इसके 2 से 3 बार देखो, और अगर नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप और कहीं पढ़ रहे होंगे, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा कंटेंट वो भी नहीं पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन कि यदि करणी 15 का मान अगर आपको दिया है 3.88, ठीक है, तो 5/3 बराबर से क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 1.293 पे बार, सेकंड ऑप्शन है 1.2934, थर्ड ऑप्शन है 1.29, फोर्थ ऑप्शन है 1.295। क्लियर है? ये करणी 15 का मान दिया हुआ है और हमको लाना है मान करणी 5/3 बराबर से क्वेश्चन मार्क, ये ऑप्शन है। करेंगे क्या, जिसका मान चाहिए उस पर ध्यान दो। तो हमें मान चाहिए करणी 5/3 का, ठीक है, ये गणित है। अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि 5 तो है हमारे पास, 3 भी है, अंश में 3 का गुणा कर दूं और हर में भी 3 का गुणा कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, 3 से 3 काट दो, यही आ जाएगा वापस। क्लियर है? आगे हम सॉल्व करें तो अंश तो बन जाएगा कितना 15, अंश बन जाएगा करणी 15, 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9, 9 किसका वर्ग है 3 का, तो बाहर आ जाएगा 3। क्लियर है? आगे अगर हम सॉल्व करें तो करणी 15 का मान ये दिया हुआ है कितना, सॉरी, करणी 15 का मान दिया है 3.88, भाग किससे देना है 3 से, 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, दशमलव है तो दशमलव लगाया, 3×2 = 6, बचा कितना 2, 3×8 = 24, ऐसे कुछ, सॉरी 3×9 = 27, बचा कितना 1, लगाओगे 10, 3×3 = 9, फिर 1 बचेगा 3×3 = 9, तो 3 पे क्या जाएगा 12, मतलब आ जाएगा 1.29,
और तीन पे बार, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, पर बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर 5/3 है तो हमने जिसका मान दिया होता है उतना बना लेना है। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो जब भी जो भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं, इस प्रकार का जैसा क्वेश्चन आपको मिले आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा होगा मीन्स ऐसा क्वेश्चन जो कि अगर पेपर में आए तो आप वहाँ फंसोगे नहीं, सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर करणी सात का कुछ मान दिया होता और आपसे पूछ लेता कि करणी 7/3 का मान बताओ। ठीक है, सॉरी 14 का मान बोल देते हैं। सपोज करणी 14 का मान कुछ दिया होता और आपसे बोलते कि करणी 7/3 का मान बताओ, तो करते क्या? यहाँ भी 2 का गुणा करते, यहाँ भी 2 का गुणा करते, तो अंश में तो आ जाता 14/6 में जाता 6। सॉल्व करते आंसर आता। कहने का मतलब कि जिसका मान दिया होगा उतना आपको बनाना है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि 3/3 का परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात करें, का परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात करें। और पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है -3 और चौथा ऑप्शन है √3। क्लियर है? क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 3/3 का परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात करें। अब परिमेयकारी गुणनखंड का मतलब क्या होता है ये देखो, हमें संख्या दी है क्या 3/3, एक ऐसी संख्या जो इसको एक पूर्ण राशि बना दे, एक ऐसा मान जो इसे पूर्ण राशि बना दे। तो इसमें अगर मैं करणी 3 का गुणा कर दूं तो इससे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 का तो 3 रहेगा, करणी 3 में करणी 3 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 9। कहने का मतलब कि इस संख्या को ऐसा बनाने के लिए हमको किसका गुणा करना पड़ा, करणी 3 का। तो यही करणी 3 ही है क्या परिमेयकारी गुणनखंड। समझ पाए? अगर मैं आपसे बोल देता कि 2/3 है मेरे पास, इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या होगा, तो मैं इसमें किसका गुणा करूं कि एक पूर्ण राशि बन जाइए, तो करणी 3 का गुणा करूं। तो ये करणी 3 का जब गुणा करेंगे तो बनेगा क्या 2 × करणी 3 में करणी 3 का गुणा करेंगे 3, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। तो हमने किसका गुणा करा है करणी 3 का, तो यही करणी 3 क्या कहलाएगा परिमेयकारी गुणनखंड कहलाएगा। अगर मुझे दिया होता 5/2 और पूछता इसका परिमेयकारी गुणनखंड क्या है, तो क्या होगा करणी 2, क्योंकि इसमें करणी 2 का गुणा करेंगे तो एक पूर्ण राशि आएगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि परिमेयकारी गुणनखंड किसे कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा क्या राइट आंसर, कि 3/3 में करणी 3 का गुणा करेंगे तब 9 आएगा। इसका मतलब इस राशि को एक पूर्ण राशि बनाने के लिए जिसका गुणा किया जा रहा है वह होता है परिमेयकारी गुणनखंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज पेपर में लिखी आ जाती है और यहाँ पर फंसने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है कि बच्चे किस प्रकार से इसे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है कि 3^-1/(-1, -3^-0) =?? पहला ऑप्शन है -2, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 1, फोर्थ ऑप्शन है 2। क्लियर है इतना? अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, ये देखो मैंने ये आपको बता रखा है सबसे पहले लेक्चर में कि इस दुनिया में किसी की भी घात 0 कर दो उसका मान होता है 1। और ये मैंने पढ़ा है कि 1^-1 मतलब कितना है 1/a है, 2^-1 का मतलब कितना है 1/2 है। समझ पा रहे हैं? ये भी मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस करा और हर लेक्चर में ये छोटी मोटी चीज़ें आई जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3/3, इसको हम लिख सकते हैं कितना 1/3, और -3^0 मतलब कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 3^0 था तो उसका मान 1, 3^0 था तो उसका मान 1, 3^-1 था तो इसको 1/3, 3^-1 था तो 1/3। ठीक है, अगले स्टेप ही आएगी, आगे सॉल्व करोगे तो 3 × 3 = 4, तो 4/3 कितना आएगा 3, और पूरे के बटे में 3 × 3, तो 3 × 3 -3 और +1 तो बचेगा कितना 2/3, और आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3 गुणा, जब दो भिन्न एक दूसरे के बटे में आए तो बटे वाली संख्या पलट जाती है, पलट जाती है मतलब 3/2 हो जाएगा और ये -2 रहेगा। समझ पा रहे हैं? जब दो भिन्न एक दूसरे के बटे में आए तो बटे वाली संख्या पलट जाती है और गुणे में हो जाती है। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे 3 से 3 कटा, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो 2 तो आ गया पर 1 माइनस था इसलिए यहाँ आएगा माइनस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्या राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? तो आप इसे उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है अगला भी।
अगला क्वेश्चन दे रखा है 0.04 द पावर माइनस 1.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन हमें दे रखे हैं 25, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 125, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 250, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 625। क्लियर है इतना? घात अगर माइनस में, तो अभी मैंने देखा कि अगर ए की घात माइनस वन हो इसका मतलब 1/a होता है, 5 की घात माइनस वन हो इसका ये मतलब होता है 1/ कितना होता है 5। क्लियर है? तो वहां पर भी इसे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करें तो 0. समझना, एक मिनट, एक चीज और लिख रहा हूं मैं। 2 दी पावर -2 अगर दिया इसका मतलब 1/2 होगा, अगर 3 दी पावर -3 दिया इसका मतलब 1/3 दी पावर 3 होगा, और अगर 3 दी पावर 1.5 दिया है माइनस का, तो ये क्या होगा, 1/3 दी पावर 1.5 होगा। समझ पा रहे हैं? इसका ये मतलब है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो 1/0.04 की घात कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। और आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना, 1/ इसको हम लिख सकते हैं 4/100, 0.1, 0.2 तो 2 0, और पूरे की घात 15/10, 0.10 तो 10। सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 5 2 कितना आ जाएगा 10। अगली स्टेप सॉल्व करेंगे तो हम आएगा 1/4/100, और पूरे की घात कितना है, 3/2 है। क्लियर हो पा रहा है? अगली स्टेप देखते हैं हम, एक मिनट में इसे मिटा दूं क्या। अगली स्टेप अगर हम इसे ही सॉल्व करें तो इसको मैं पलटा सकता हूँ, पलटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, एक मिनट ना भी पलटाओ तो देखो, 1/ इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और 100 को लिख सकते हैं 10 का वर्ग, पूरे की घात कितना है, 3/2 है। और आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ 1/2/10 पूरे का वर्ग, और घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा, तो 3/ कितना होगा, 2 से 2 कटेगा, तो 1/2/10 पूरे की घात कितना हो जाएगा, 3। और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 की घात 3 कितना, 8, और 10 की घात 3 कितना, 1000। और आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000/8, सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना, 2, 8 2 16 8 5 40, तो आएगा 125। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन है कुछ नहीं, परंतु ऐसा करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले 2-3 लेक्चर और आ सकते हैं, बस वो सिचुएशन के अनुसार रहेगा। तो लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।